ओर से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से अब सलमान खान के बाद उनके पिता सलीम खान को एक बार फिर से धमकी देने का मामला सामने आया है। ये वाकया तब का है जब सलीम खान मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे। बुरखे में आई अनजान महिला ने उन्हें धमकी दी। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्राथमिक रूप से पुलिस को ऐसा लग रहा है कि किसी ने प्रैंक करने की कोशिश की। फिलहाल मुंबई की बांद्रा पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है और इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सलमान खान के पिता सलीम खान रोजाना की तरह 18 सितंबर की सुबह भी मॉर्निंग वॉक पर निकले। सुबह 8:45 के करीब बैंड स्टैंड पर सैर कर रहे थे, तभी उन्हें थकान लगी और वो बेंच पर बैठ गए। उसी समय गैलेक्सी की तरफ से बैंड स्टैंड की तरफ एक स्कूटी पर एक आदमी जा रहा था और उसके पीछे एक बुरखा पहने महिला भी सवार थी। उस शख्स ने यू टर्न लिया और सलीम खान के पास आकर रुका। स्कूटी पर सवार महिला ने उन्हें धमकी दी और कहा, लॉरेंस बिश्नोई को भेजू क्या? स्कूटी का नंबर 7444 था। धमकी देने के बाद ही स्कूटी सवार वहां से फरार हो गए। पुलिस उस स्कूटी वाले व्यक्ति की तलाश में जुटी और उन्हें खोज निकाला। सलमान खान फिलहाल शहर से बाहर है। फिलहाल इस खबर पर आपको क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।